बच्चों अभी हमने भारत में मिलने वाले जो अलग अलग प्रकार के वन हैं उन पर चर्चा की कि भारत में जो स्थलाकृति की भिन्नता हमें देखने को मिलती है तो हर स्थलाकृति में हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ नजर आती हैं अब हम अपने राज्य की बात कर लें कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार से वनों का वर्गीकरण किया गया है तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आ, पूरे भारत का या किसी भी देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग एक तिहाई क्षेत्र पर वनों का आवरण होना जो है वो अनिवार्य है तभी हमारा पारिस्थितिकी जो है वो संतुलित रह सकता है लेकिन क्या हमारे भारत में या भारत का जो हमारा कुल क्षेत्रफल है बत्तीस लाख सत्तासी हज़ार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर तो क्या इत, आ, इस पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्र में वनों का विस्तार है नहीं तो आइए हम देखते हैं कि भारत के आ, कितने क्षेत्र पे वनों का विस्तार है तो भारत का जो अभी हमने बताया भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसके आठ लाख नौ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही आ, वनों का विस्तार है और ये जो आठ लाख नौ हजार वर्ग किलोमीटर है ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ यह हम कहें मात्र 24 प्रतिशत है 24 परसेंट मतलब अगर ये तय किया गया है कि अगर हमें पूरे विश्व में या देश में पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना है तो इसके लिए अनिवार्य है कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत या मैं कहूँ एक तिहाई क्षेत्र में एक तिहाई क्षेत्र में जो है वो वनों का विस्तार होना चाहिए तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो देश का वन वनों का जो क्षेत्रफल है वो उससे बहुत कम है अब हम अपने राज्य की बात कर लें तो हमारा जो राज्य है इसकी स्थिति इस मामले में बहुत बेहतर है और वो बेहतर इसलिए है कि हमारे राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसके कुल चवालीस प्रतिशत क्षेत्र पर या 44% परसेंट एरिया में जो है वो वन आ, वनों का विस्तार है अब इतने क्षेत्र में या हम कह रहे हैं कि 44 कुल 44 प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है तो इन वनों का जो विस्तार है तो हमारे राज्य में भी हम देखते हैं या जैसा हमने देश की बात की कि अलग अलग वनस्पतियों की विशेषताओं के आधार पर या वर्षा की मात्रा के आधार पर आ, वनों का वर्गीकरण किया गया है तो कुछ वर्गीकरण जो है वो हमारे राज्य में भी देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रशासकीय आधार पर मतलब प्रशासन ने छत्तीसगढ़ प्रशासन ने भारत में वनों का वर्गीकरण किया है उनके संरक्षण के आधार पर तो सबसे पहला है आपका आरक्षित वन या हम इसे बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट और इसका कुल जो एरिया है वो आ, यदि हम 44 परसेंट को 100 परसेंट मान लें तो इस फोर्टी परसेंट के कुल 43% परसेंट एरिया में आरक्षित वनों का विस्तार है और ये वनों का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कोई भी कोई भी व्यक्ति जो है वो जंगल का उपयोग नहीं कर सकता मतलब ये पूरा क्षेत्रफल शासन के निगरानी में रहता है या उसके द्वारा आरक्षित करके रखा गया है अब दूसरा जो इसका प्रकार है संरक्षित वन और इसका कुल क्षेत्रफल हम देख रहे हैं 40 परसेंट मतलब राज्य के कुल 40 प्रतिशत क्षेत्र में संरक्षित वन का विस्तार है और ये इस प्रकार के वन होते हैं जिसमें प्रशासकीय नियंत्रण तो होता ही है लेकिन शासन के परमिशन से या उनकी स्वीकृति के बाद हम इसमें कुछ जो वनों का उपयोग है वो कर सकते हैं जैसे कि वहां पर से लोग जो हैं वो वनोपज एकत्र कर सकते हैं कहीं पर चारा के लिए उस भूमि का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन ये पूरी तरह से प्रशासकीय निगरानी में किया जाता है और शासन के बिना परमिशन के हम इन वनों का उपयोग नहीं कर सकते और इसी में तीसरा प्रकार जो है वो अवर्गीकृत वन का है और इस अवर्गीकृत वन में हम देखते हैं कि इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो सत्रह प्रतिशत है मतलब आ, कुल जितना भी वनों का विस्तार है हमारे राज्य में उसके सत्रह प्रतिशत क्षेत्र पे अवर्गीकृत वनों का विस्तार है और ये किस प्रकार के वन हैं तो हम देखते हैं ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर बिना किसी रोक टोक के आ, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने पशुओं को चरा सकता है लकड़ियों को काट सकता है या वनों एकत्र कर सकता है मतलब किसी भी प्रकार से इसमें प्रशासकीय नियंत्रण नहीं होता और ना ही शासन की स्वीकृति की आवश्यकता होती है हमें मालूम है कि जैसे हमारा हमारे देश की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है तो इसी इसमें हमारे राज्य की भी जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है और हमारे राज्य की मानसूनी जलवायु होने के कारण हम यहाँ पर देखते हैं प्रमुख रूप से मानसूनी पतझड़ वन जो हैं उनका विस्तार है यहाँ के वनों की जो क्वालिटी देखें या हम विशेषता की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर मानसूनी वन जो है वो पाए जाते हैं और जब हमने वनों के प्रकार देखे थे तो हमने इस पर भी चर्चा की थी कि जो मानसूनी पतझड़ वन है वो दो प्रकार के होते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर जहाँ पर वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है वहां पर आर्द्र वन पाए जाते हैं और जहाँ पर वर्षा की मात्रा लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर ही होती है वहाँ पर शुष्क वन पाए जाते हैं तो ये दोनों ही क्वालिटी के जो वनों का विस्तार है वो हमारे राज्य में मिलता है तो इसमें हम देख लेते हैं जो जहाँ पर अधिक बारिश होती है जैसे कि जशपुर है पाट है पूर्वी बघेलखंड का पठार है और इसके साथ ही साथ दंडकारण्य में भी जो है वो आर्द्र मानसूनी पतझड़वनों का विस्तार है हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरे क्षेत्र जो है चाहे हम दक्षिण में चले जाएं, तो बस्तर के दंडकारण्य पठार की बात करें या उत्तर में हम पूरे सरगुजा वन मंडल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा वनस्पति आच्छादित क्षेत्र हैं और पठारी पहाड़ी एरिया हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बारिश की मात्रा वर्षा की मात्रा भी अच्छी होती है और इसी कारण से यहाँ पर हमें आर्द्र वन मिलते हैं इसके बाद जो हमारे राज्य का मध्य का क्षेत्र है जिसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं और इस छत्तीसगढ़ के मैदान के अतिरिक्त जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर बारिश की मात्रा थोड़ी कम होती है वो थोड़े शुष्क क्षेत्र हैं, तो इसलिए यहाँ पर मानसूनी शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं ये हमने देखा प्रशासकीय आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया गया है अब वनों में जो जिस प्रकार की वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं, तो उन वनस्पतियों की विशेषता के आधार पर भी वर्गीकरण किए गए हैं कुल चार प्रकार के वर्गीकरण है इसमें पहला है साल वन दूसरा सागौन वन तीसरा बांस वन और चौथा है मिश्रित वन इन वनों पर भी हम बात कर लेते हैं तो पहला है साल वन साल वनों की बात करें कि हमारा जो आ, छत्तीसगढ़ का दक्षिण क्षेत्र है मतलब बस्तर जो है इसे सालवनों का द्वीप कहा जाता है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में साल वन जो है वो मिलते हैं और यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म का जो साल वृक्ष है वो हमें केश काल घाटी में मिलता है इसके बाद दूसरा है सागौन जिसे टेक्टोना ग्रांडिस के नाम से भी जाना जाता है और यदि हम अपने छत्तीसगढ़ में बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म का जो सागौन है वो कवर्धा के चिल्फी घाटी में और साथ ही साथ नारायणपुर के कुरसेल घाटी में भी उत्तम किस्म के सागौन मिलते हैं अब तीसरा इसमें प्रकार हम देखते हैं मिश्रित वन। मिश्रित वन जो है वो हमारे राज्य के कुल लगभग लगभग 43 प्रतिशत क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है मिश्रित वनों का और इन वनों में आ, साल सागौन ये वृक्ष तो मिलते ही हैं इसके साथ ही साथ हम देखेंगे आ, तेंदु है महुआ है आ, बबूल है इसके बाद इमली ये सभी वृक्ष भी यहां पर प्रमुख रूप से मिलते हैं चौथा जो प्रकार है वो बांस वनों का है और आ, हमारे राज्य के कुल 11 प्रतिशत क्षेत्र में इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है ये वन जो है वो मिश्रित वनों के ही अंतर्गत आते हैं और मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो हमारे राज्य में नर बांस जो है वो प्रमुखता से पाया जाता है और एक उत्तम कोटि का जो बांस है जिसे कटंग बांस कहा जाता है ये पूरे सरगुजा वन मंडल में हमें मिलता है साथ ही साथ हम देखें कि एक सर्वे के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में कुल नौ प्रकार के बांस जो है वो पाए जाते हैं इन वनों से हमारे राज्य को लगभग बयालीस प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है अब ये जो बांस शिल्प कला होती है इसमें हम देखें तो हमारे राज्य के गरियाबंद जिले में जो कमार जनजाति मिलती है ये जनजाति इस बांस शिल्प कला के लिए विशेष रूप से निपुण है परिचित होंगे और आपको पता होगा कि जिस कॉपी में आप लिखते हैं या जिस पेंसिल का आप प्रयोग करते हैं इन सभी के लिए मतलब कागज के लिए और साथ ही साथ हम देखेंगे कागज के लिए कागज बनाने के लिए तो बांस का प्रयोग किया ही जाता है और साथ ही साथ टोकरी है चटाई है ये सब बनाने के लिए भी प्रमुख रूप से बांस का ही प्रयोग जो है किया जाता है बच्चों हमने देखा कि आ, हमारे राज्य में ये वनों के वर्गीकरण प्रशासकीय आधार पर और साथ ही साथ अः वहां पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है तो उसकी विशेषता के आधार पर वनों का वर्गीकरण हमने देखा बच्चों आप बाघ और शेर से तो बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे सामने आपको ये पिक्चर भी नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको बाघ दिखाई दे रहा है और बाघ उसकी पहचान ये है कि उसके शरीर में काली और पीली धारियाँ बनी हुई हैं और वहीं शेर भी नज़र आ रहा है शेर मतलब जिसके चेहरे पर आगे बालों के गुच्छे आपको नजर आ रहे होंगे तो काली पीली धारियों वाले बाघ कहलाते हैं और जिनके चे, चेहरे पे आपको बालों के गुच्छे नज़र आ रहे हैं वो शेर है और क्या आपको पता है कि हमारा भारत विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों मिलते हैं अब हम इनके प्राकृतिक वास की या आवास की बात करें कि हमारे भारत में ही प्राकृतिक रूप से इनका आवास कहाँ पर मिलता है ये कहाँ पर रहते हैं तो आ, देखते हैं हम कि भारतीय जो शेर होते हैं उनका प्राकृतिक स्थल वास स्थल यदि हम देखें तो ये गुजरात के गिर जंगल में है यदि हम गुजरात चले जाएं और वहाँ पर गिर का जो जंगल है वहाँ चले जाएं, तो आपको वहाँ पर भारतीय शेर जो है वो नजर आएंगे और अगर हम बाघ का प्राकृतिक वास स्थल देखें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन के डेल्टा और जो वन है वहाँ पर वहाँ पर ये बाघ जो है वो नज़र आते हैं और इन तीनों स्थानों के अलावा हम जब हिमालयीन क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पर भी ये बाघ नज़र आते हैं अब हम देखते हैं बच्चों जिस प्रकार से हमने वनस्पतियों का वर्गीकरण देखा और उसमें हमने देखा कि वहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु मिलती है और जलवायु के अंतर्गत तापमान या वर्षा की हमने बात की थी तो इसके आधार पर हमें वनस्पतियों के अलग अलग प्रकार देखे थे और उनकी क्वालिटियों में अंतर देखा था ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य भी हम जहाँ पर रहते हैं तो हम अपनी जलवायु के अकॉर्डिंग हमारा वहाँ पर रहन सहन हमारा रंग हमारे बालों का रंग या हमारी हाइट ये सब कुछ डिपेंड करता है उस स्थान के जलवायु पर तो वैसे ही जो जंगली जानवर होते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी प्रकृति ने जन्म दिया है और उनको एक प्राकृतिक वास स्थल दिया है मतलब कि जिस जलवायु में रहते हैं उन उसके अनुसार जो है वो अब उनका शर, वो अपने शरीर को ढाल लेते हैं तो हम देखेंगे कि ये जंगली जानवर जो हैं उनमें भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है मतलब अलग अलग स्थान पे अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं या जो जंगली जानवर हैं उनकी प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं तो अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में जो जानवर रहते हैं वो चूँकि हमें पता है कि हिमालय में कठोर शीत पड़ता है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर जो जानवर रहेंगे उनकी जो उनके शरीर में उतनी ठंड को बर्दाश्त करने की या हम कहें सहन करने की क्षमता होती है या कहें इतनी कठोर शीत जलवायु को सहन करने की उनमें क्षमता होती है तो क्या जो हिमालयन क्षेत्र में उसके ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जो जानवर नज़र आते हैं हमें या जो जानवर मिलते हैं वहाँ पर जो निवास करते हैं क्या वो हमें थार के रेगिस्तान में या थार के मरुस्थल में मिलेंगे नहीं वो इसलिए कि वहाँ पर की जलवायु जो है वो एकदम अलग है जहाँ मरुस्थल में हमें बहुत अधिक गर्मी मिलेगी और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड तो ना तो ये ऊट जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा जो हैं आपके पर्वतीय क्षेत्र में नजर आएंगे और ना ही यदि हम याक की बात कर लें या भेड़ों की बात कर लें तो वो हमें मरुस्थलों में नजर आएंगे तो जब हम हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में देख रहे हैं तो हमने बात की कि वो कठोर शीत को सहन करने की क्षमता रखते हैं और जब हम लद्दाख चले जाएं, तो हम देखते हैं कि लद्दाख की जो बर्फीली चोटियां हैं या बर्फीली ऊंचाइयों वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमें याक नजर आता है अगर हम जलाशय के क्षेत्र में चले जाएं, मतलब चाहे वो नदियाँ हों झील हों या कोई भी समुद्री क्षेत्र तो वहाँ पर हमें देखेंगे कि बहुत सारे जो समुद्री जीव हैं या समुद्रों में रहने वाले प्राणी या जलों में रहने वाले जो प्राणी हैं वो नजर आते हैं उनमें प्रमुख रूप से कछुए हैं मगरमच्छ है और घड़ियाल बच्चों इसी संदर्भ में आपको एक बात और पता होनी चाहिए घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक जीव है एक प्राणी है और ये एक ऐसा प्राणी है जो पूरे विश्व में अकेले भारत में ही मिलता है अब हम देखते हैं कि हमने अलग अलग प्रजातियों की बात कर ली चाहे वो वनस्पति के क्षेत्र में हो या वनस्पति के संदर्भ में हो या फिर प्राणी के संदर्भ में या जीव जंतु और हमने देखा कि इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो पशु पक्षी हैं पक्षियों की भी अलग अलग प्रजातियां हमारे भारत में देखने को मिलती हैं और हमें ये भी पता है कि इन पौधों का जो है वो हम अलग अलग प्रकार से औषधीय रूप में और विभिन्न प्रकार के उपयोग में लेके आते हैं कृषि के संदर्भ में भी उद्योग के संदर्भ में भी वन क्षेत्र में मिलने वाली जो अलग अलग वनस्पतियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है और फिर ये जो जीव जंतु या जानवर पाए जाते हैं वो भी हमें पता है कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहाँ पर हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी हम इन जानवरों का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ बोझा ढोने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है बहुत से दूध देने वाले पशु जो हैं वो हमारे भारत में मिलते हैं और इन सब के अलावा बहुत से कीड़े मकोड़े जो फसलों फलों और इसके साथ ही साथ वृक्षों के परागण में मदद करते हैं ऐसे कीड़े मकोड़े भी हमारे देश में पाए जाते हैं और इनकी विशेषता ये है कि इसके साथ ये परागण की क्रिया तो करते ही हैं और साथ ही साथ जो हानिकारक कीड़े होते हैं उन पर भी ये जैविक रूप से नियंत्रण करते हैं हाँ आप, ये जो अलग अलग प्रजातियां हमें वनस्पतियों की बात करें हम चाहे जीव जंतुओं की बात करें इन सबका हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक अलग ही योगदान है उनका एक अलग महत्व है और अलग महत्व क्या हम विशेष महत्व कह कह सकते हैं विशेष योगदान देते हैं और एक अलग स्थान ये अपना रखते हैं हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र में लेकिन जो मनुष्य है वो अलग अलग तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहे वो पादप समुदाय या वनस्पति समुदाय हो या जीव समुदाय हो इन सब का उसने बहुत ज़्यादा उपयोग या हम कहें बहुत ज़्यादा शोषण या दोहन कर लिया है जिससे अब बहुत सारी प्रजातियाँ चाहे वो जंतु समुदाय की हो या फिर वनस्पति समुदाय की इन दोनों ही प्रजातियों पर अलग से संकट जो है वो उत्पन्न हो गया है और इसका प्रमुख कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही है तीसरी में हम देखते हैं कि लगभग तेरह जो पादप प्रजातियाँ हैं वो संकट में आ गई हैं और इसमें भी आ, हम देखते हैं कि लगभग जो 20 पादप प्रजातियां हैं वो नष्ट हो चुकी हैं और इनके साथ ही साथ वन्य प्रजातियां भी संकट में हैं और बहुत सारी जीव समुदाय की जो प्रजाति है वो संकट में है और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो नष्ट हो चुकी हैं तो हम देखते हैं कि ये आ, हमारे पारिस्थितिकी के लिए एक संकट की स्थिति हम कह सकते हैं या एक आपदा के रूप में भी हम इन्हें मान सकते हैं क्योंकि लगातार हम जो है वो विकास की आड़ में औद्योगिकरण कर रहे हैं सड़कों का विकास कर रहे हैं हम पिछले साठ दशकों की बात करें तो हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है और इन आबादी को चाहे आवास उपलब्ध कराना हो या भोजन उपलब्ध कराना हो दोनों ही संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं इस वन क्षेत्र का विनाश कर रहे हैं और हमने थोड़ी देर पहले देखा भी कि हमारे देश का जितना एक एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि लगभग एक तिहाई क्षेत्र में आ देश के एक तिहाई क्षेत्र में वनों का विस्तार होना चाहिए ये उतना भी आ ये इतनी शर्तों को भी हमारा देश जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है और इससे बहुत कम वन क्षेत्र बहुत कम क्षेत्र में हमारे देश में वनों का विस्तार है तो ठीक है हमारी आबादी को हमे हमें आवास उपलब्ध कराना है और उसे भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें कृषि क्षेत्र का विस्तार करना भी आवश्यक है और हमें और अलग अलग क्षेत्र में भी विकास करना है तो उसके लिए हमें औद्योगिकरण करना ही पड़ेगा नगरीकरण करना ही पड़ेगा लेकिन अपने वनस्पति या जीव समुदाय की प्रजातियों को दाव में लगा कर नहीं क्योंकि हमने देखा था कि भाई वनों के महत्व की हमने बात की थी ये हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन प्रदान करता है और ये हमारे जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इसके बिना इनके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते तो हमारा एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि हम इस पूरे वन समुदाय को और इस वन समुदाय में मिलने वाले चाहे वो पादप जगत की बात करें या जंतु जगत की जंतु जगत भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे यहाँ जो इतनी अलग अलग प्रकार के जो जंतु जानवर पशु पक्षी चाहे वो जल में रहने वाले हों या थल में रहने वाले हों इनकी इतनी अधिक प्रजातियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं जो हमारे जैव विविधता में एक महत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो इनका संरक्षण करना हमारा ही उत्तरदायित्व है और ये जो हम लगातार वनों का विनाश करते जा रहे हैं इनका संरक्षण करना भी हमारे लिए एब, अब एक अनिवार्य शर्त जो है वो बन गया है तभी हम अपने पारिस्थितिकी संतुलन को बनाकर रख सकते हैं और अगर हम ऐसा करने में असफल होते हैं तो इसका दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतना होगा होगा क्या हम भुगत रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में कई ऐसी दुर्लभ बीमारियां हमें घेरने लगी हैं जो हमें एक आश्चर्यचकित करके रख देती हैं बहुत सी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है जो जानलेवा है कि हम अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस विकास का क्या महत्व रह जाता है इसलिए बच्चों मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगी कि चाहे वो आपकी शाला हो या आपके आ, आपका घर हो या आपके घर के आसपास कोई उद्यान या खाली जगह ये सब में आपका भी एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप सभी जगह वृक्षारोपण करें पौधों की देखभाल करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं और आ, हमारे देश में राज्य में भी हम कहें या हम आ, भारत के संदर्भ में बात करें तो इस आ, वनों के महत्व को समझते हुए वनों को सुरक्षित रखने के लिए इसके संरक्षण के लिए कुछ जो नियम हैं वो बनाए गए हैं आइए हम उस पर चर्चा करते हैं